नमस्कार, मैं हूं बीडी भारती और आप देख रहे हैं निर्भिकाया यूट्यूब चैनल। तो आजकल वायरस जनित बीमारी काफ़ी बढ़ रही है। वायरस जनित बीमारी व्यक्ति से व्यक्ति में बड़ी तीव्र गति से फैलती है। जैसे कि मैं अस्पताल गया और मैंने मास्क संबंधी या बचाव का कोई उपाय नहीं किया और मैं वायरस से ग्रस्त हो गया और परिवार या घर पे आ गया, तो मेरे जो वायरस लगा है वो परिवार के अन्य सदस्यों को भी लग सकता है, जैसे बीमार हो सकते हैं। इस तरह हम बाहर जाएंगे और हमारा वायरस और अन्य सामाजिक सदस्यों में फैल सकता है। तो वायरस से हमें बचाव करना चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अर्थात बीमार पड़कर इलाज करने अच्छा है कि बीमार पड़ा ही न जाए। तो हम अस्पताल हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके, बाजार, बस स्टैंड, रेल स्टैंड आदि जगह या सामाजिक समारोह में जाएं तो मास्क लगाएं या शारीरिक दूरी रखें, ताकि यदि वहाँ कोई वायरस है या वायरस जनित व्यक्ति है तो हम वायरस की चपेट में ना आए। इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। अभी हम सुन रहे हैं चाइना है, जापान है, ताइवान, वियतनाम, रूस और ये दक्षिण एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप के देशों में ये कुछ देशों में ये कोरोना वायरस भी फैल रहा है। तो ये वायरस कोरोना हो या कोई हो, उससे हमें बचना चाहिए। और यदि हल्का फुल्का बुखार है, ठंडी बुखार हो रहा है तो अस्पताल जाकर चेक कराएं और दवाई लें, डॉक्टर की सलाह का पालन करें। और यदि हम स्वस्थ भी हैं तो भी हमें घर पे काढ़ा बनाकर पीना चाहिए। लौंग, काली मिर्च, इलायची, अदरक, दालचीनी, सेंधा नमक और मिश्री का काढ़ा बनाकर पिए तो हम यदि थोड़े बहुत वायरस से ग्रस्त हैं तो वो वायरस आगे बढ़ नहीं पाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो वायरस से बचें, परिवार से परिवार के अन्य सदस्य से बचाएं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले समय में और ऐसे वीडियो लाए जाएंगे। धन्यवाद।